तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज लखनऊ में समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे किसानों के साथ, उनसे जानते हैं जिस तरीके से पूरे देश में एक मुद्दा आज बहुत ज़्यादा ही चर्चाओं में है, वो है सांसद निलंबन का। और इसी के साथ अगर बात करी जाए टिकैत जी, तो सांसदों का निलंबन हुआ है संसद से, और इसी के साथ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, संविधान में ये है कि वे उच्च पद हैं और उनका कार्टून या उनकी मजाक के किस्म से नहीं कर होनी चाहिए, तो ये हमारे संविधान के उनके खिलाफ भी है, क्योंकि कुछ लोग उच्च पद पे ऐसे होते हैं कि वे पॉलिटिक्स से उससे दूर होते हैं, उनको बचा कर रखना चाहिए और उनकी जो मजाक और जो मिमिक्री बनाई है वो नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हुई है वो गलत तरीका है, उसकी निंदा करी है। बात करी जाए तो सांसदों का निलंबन हुआ है, 143 सांसद, आज भी दो सांसदों को का निलंबन किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सही है या फिर विपक्ष को हटाने की रणनीति? विपक्ष तो हटेगा, देश से सब जाएगा विपक्ष। लोकसभा चुनाव कैसे होगा अगर विपक्ष हटेगा? हो जाएगा चुनाव, तो चुनाव में तो जिस तरह का काम कर रहे हैं यही आ जाएंगे, हटा उठो का सबको यही आ जाएगा। कुछ को पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ेंगे, उनके लोगों को तोड़ेंगे। देश में गठबंधन बना, जी देश में गठबंधन भी बना है, इंडिया गठबंधन बना है, और भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। वहीं अब सांसद शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें 143 जो सांसद हैं उनको हटा दिया गया है, उसके बाद अब धरना प्रदर्शन जारी है। आपकी क्या राय, सही तरीका तो लग रहा है या नहीं लग रहा है? सही कहा है, सांसदों को हटाना सही कहा है? जब देश में से सांसदों को बोलने पे पाबंदी हो जाएगी, वहाँ जो कोई बोल लगा वो बाहर जाएगा हटेगा, तो और देश में किसके साथ क्या हो रहा होगा तो अंदाजा आप उससे लगा सकते हो। संसद सुरक्षा चूक को लेकर क्या कहेंगे? तो सरकार के तो लोग हैं जो लेके गए, आप बताओ ना कि किसके उस पे गए पास पे वे। यही सवाल तो विपक्ष ने किया, तो विपक्ष को निष्कासित कर दिया। जो भी बोल लेगा वो जाएगा। अभी अगले साल अक्टूबर 2024 के बाद में प्रेस पर पूर्ण से पाबंदी भी लग जाएगी, अभी तो देखते रहना क्या होना। 2024 की बात करें टिकैत जी, तो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसको वोट जाएगा इस बार किसानों का? किसानों का कहां वोट जा रहा, किसान तो हिंदू मुस्लिम में बटेगा, किसान भी हिंदू मुस्लिम की आपने बात कर दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, आमंत्रण मिला है आपको, जाएंगे? मिलेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन मिला नहीं अब तक ना, मिला भी नहीं ना आगे मिलेगा, क्योंकि हमारे परिवार, हाँ जो परिवार हैं हम रघुवंशी कुल से ही हैं, और हमारे परिवार के लोग पहले वहाँ पे कई बार जाते हुए ये दस्तावेजों में मिला है, सबूत मिले, लेकिन अब सरकारी प्रोग्राम होगा तो कैसे बुलाएंगे? आमंत्रण तो सभी को दिया जा रहा है। कहाँ, हमें तो नहीं दिया। जाएगा, आमंत्रण मिलता है तो जाएंगे, हम मिलेगा तो जाएंगे। ठीक है, तो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, साथ ही राम मंदिर की बात भी कर ली। अगर बात करी जाए सुरक्षा चूक को लेकर, वो सुरक्षा चूक हुई है उस पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। अब राहुल गांधी भी घेरे में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष को हटा दिया गया है संसद से, और वहीं जो मिमिक्री हुई है उपराष्ट्रपति की उसको लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा जा रहा है। बीजेपी सरकार के साथ सभी लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आपका क्या मानना है राहुल गांधी के? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जाएगा, वो तो उन्होंने पहले तजर्बा ले लिया था ना, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके वो उन्होंने ट्रायल कर लिया था, जब उसके ट्रायल पे विपक्ष नहीं बोल रहा तो धीरे धीरे माहौल बनाएंगे ये, भाई बड़े आदमी को एक बार घेर लो तो छोटे अपने आप बैठ जाओ। आपका ये कहना है। अगर बात करें किसानों की, तो आप लगातार किसानों की मांग को लेकर सरकार से मांगे कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार का क्या कहना है? देखो, सरकार अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, हमारा बिहार में आंदोलन चल रहा तो वहाँ की लोकल सरकार के खिलाफ है, वहाँ पे मंडी जो बाजार समिति है वो बंद है पूरी, और फसलें कम रेट पर बिक रही। हमारा भारत सरकार से ये है कि MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जाए, जो भारत सरकार के रेट हैं उसके कम पे खरीदना हो, ये हम चाहते हैं। अगर MSP गारंटी कानून देश में बन जाएगा तो किसानों को कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, MSP गारंटी कानून नहीं लेकर आएगी, क्योंकि व्यापारी को नुकसान होगा, इन्होंने एक किस्म से देश पे कब्जा कर लिया व्यापारियों ने, उन्हीं की गवर्नमेंट है ये।
आज लखनऊ आप पहुंचे थे, किसानों के साथ समीक्षा बैठक करी, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए? निर्णय हमने बताया, प्रशिक्षण है एक किस्म से, ये आंदोलन की कोई रणनीति नहीं कि आप संगठन कैसे मजबूत करें, अधिकारियों से कैसे बातचीत करें, गांव में कैसे जाएं, सामाजिक मुद्दे भी हमको उठाने पड़ेंगे, वो भी संगठन के लोग उठाएँ, तो सामाजिक और संगठन दोनों साथ साथ चले, जिससे गाँव के खर्चे कम हो, नशे पत्ती से दूर हो, ब्याह शादियों में खर्चे कम करें। अब शादी हो रही, एक ही दिन वो आजकल वो चल रहा, वो पहनते हैं उसको क्या बोलने, सफारी सूट सा बनवावे, वो शेरवानी। अच्छा, क्या महाराणा प्रताप के वंशज हैं कि एक दिन शेरवानी पहन के और फिर उसे फिर भी पहनता है क्या दोबारा कोई? वो खर्चा होता है, तो ये खर्चे कम करने चाहिए, ड्रेस वेशभूषा हो रहे जिसको हम फिर दोबारा भी यूज कर लें। खर्चे कम करोगे तो भी आमदनी बढ़ेगी। 2024 में किसकी सरकार होगी, आखिरी सवाल? बेईमान नहीं करेंगे तो इनकी हो जाएगी, ईमानदार से दूसरों की हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत जी को सुना आपने कि किस तरीके से उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है 2024 में, और इसी के साथ उन्होंने सांसदों के निलंबन पर भी अपनी बात रखी और कहा कि अगर बेईमानी करेंगे तो बीजेपी सरकार आएगी, और अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो सरकार दूसरी बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ।